समझ ही रहते तो ठीक ही था, उलझने बढ़ गई जब से समझदार हुए। सही कहा है ना किसी ने। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी फिया फूड एंड फ्लेवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। और क्या हाल चाल है जनाब? फिया आज एक जबरदस्ती रेसिपी बना रही है जिसका नाम है करेले कीमा। और इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, चले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चले जी, ये सबसे पहले हमने लिया है मटन का कीमा लिया है, जो कि ये मोटा मोटा है, ये बारीक कीमा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके क्या मसाले हैं, इसके अंदर लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, नमक, और मैंने एक प्याज को फ्राई करके ब्राउन करके रख लिया था। और इसके साथ लिया है मैंने हाफ के जी के करीब करेले लिए हैं, जो कि रिंग शेप में मैंने काट लिए हैं और उनको अच्छी तरह से धो के नमक के पानी से रख दिया। और हाफ के जी ही कीमा है। इसके साथ ये ली है मैंने कैरियर ली है, ये मेरे पास पहले से फ्रीज हुई हुई थी, ये एक कप के करीब है। और मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज को काट के रख लिया है और 1 कप दही ली है, जो कि बीट करके रख ली है। अगर आपके पास कैरियर ना हो तो आपकी जगह खटाई पाउडर या इमली भी डाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैन मैं रख चुकी हूँ, इसके अंदर 1 कप के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर सारे मसाले, ब्राउन की हुई प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट सब ऐड कर दिया, ठीक है। और अब मैं इसको, इस मसाले को हम ऑयल के अंदर भूनेंगे। चलिए इसको मैं भूनती जा रही हूँ और भूनती जा रही हूँ। और जब ये हमारा ज़रा मसाला भुनने पर आ जाएगा तो इसके अंदर मैं 1/2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर दूँगी, ठीक है। चले, ये मैंने पानी डाल दिया है ताकि अच्छा सा और हमारा मसाला जो है वो भुन जाए। चले, अच्छा ये भुनना स्टार्ट हो गया। और जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा तो उसके बाद जो है मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर दूंगी। और कीमा जो है ये मैंने मटन का लिया, अगर आप चाहें तो आप चिकन का ले लो। और ये 1/2 केजी के करीब है, ये मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। चलिए अब इसको हम भुनना स्टार्ट करते हैं। ये आप जो है ये सारे स्पाइसेस ये आपके ऊपर हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल दो, अगर आप कम खाते हैं तो आप कम कर सकते हैं। लेकिन मैंने सारे ये सब मसाले जो हैं ये मैंने 1 टीस्पून लिए हैं। सिर्फ ओनली अदरक लहसुन का पेस्ट है, जो कि 2 टेबलस्पून के करीब दिया है, ठीक है। और ये हमारा अच्छे से कीमा भुनने पर आने लगा है। और ये देखें, आफ्टर 15 मिनट्स के बाद ये हमारा अच्छा सा कीमा भुन चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है और देखिए बबलिंग हुई। और अब मैं इसके अंदर प्याज और जो हमारे पास कैरिया रखी हुई थी वो मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। चलें, अब इसको मैं अच्छी तरीके से भूनना है। और जब हमारा ये सब चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो इसके बाद मैं इसके अंदर दही ऐड करेंगे, जो कि मैंने 1 कप के करीब ली थी। चलें, अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप दही, ये मैंने ऐड कर दी इसके अंदर। और अब इसको अच्छी तरीके से हम अब दही डाल के इसको अपने कीमे को भूनेंगे। चलें, अब इसको भूनते जाना है और ये जब भूनने पे आने लगेगा तो फिर उसके बाद हम बताते हैं क्या करते हैं। और दस साइड पे मैंने तेल को गर्म करने रख दिया है, क्योंकि मैं करेले फ्राई करके डालूँगी इसके अंदर। चलिए, हमारा कीमा को हमने भूनना स्टार्ट कर दिया और ये अच्छी तरीके से भूनने में आने लगा है। और अब मैं इसको 1/2 आवर के करीब बिल्कुल धीमी आंच में इसको पकने के लिए रख दूंगी, ताकि हमारा कीमा गल जाए। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे जो है करेले फ्राई करना स्टार्ट कर दिए हैं और इसको हम ब्राउन, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर का करेंगे फ्राई। और जी, ये हमारा जो है, मैंने सिर्फ आपको एक बात बताना भूल गई, मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड और किया था और मैंने इसको, क्योंकि पानी इसके अंदर ख़त्म हो गया था तो वो डाल के मैंने इसको और पकाया बिल्कुल धीमी आंच में। ये पूरा मैक्सिमम 1 आवर के करीब इसने टाइम लिया है और ये गल चुका है। और अब मैंने इसके अंदर ब्राउन किए हुए जो हमने गोल्डन ब्राउन करेले फ्राई किए थे वो ऐड कर दिए और मैंने इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करना है। चलें, और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये मैंने निकाल लिए हैं, निकालना शुरू कर दिया है। ये मैंने भुना भुना सा बनाया, अगर आपको ग्रेवी चाहते तो आप
ग्रेवी के लिहाज से आप उसको रखिएगा, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल करेली कीमा हमारा जो है ये रेडी हो चुका है और ये बहुत मज़ेदार किस्म के बने करेली कीमा। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआ में पिया को ज़रूर याद रखिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। दिस इज़ मी फिया फूड एंड फ्लेवर्स। कीप स्माइलिंग, आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।